नमस्ते दोस्तों, इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि जो महाशिवरात्रि इवेंट 2024 हुआ था एट ईशा योगा सेंटर कोयंबटूर में, तो वहां पे हम किस तरह से गए थे और क्या किस तरह से हमने वहां पे एंजॉय किया था। तो ईशा योगा सेंटर जाने के लिए हम आए थे गांधीपुरम बस स्टैंड। गांधीपुरम बस स्टैंड से हमने बस ली 14D नंबर की, हमें लगी थी भूख, तो हम गए होटल अन्नदास में जो कि गांधीपुरम बस स्टैंड के पास ही है। वहां पे हमने एक थाली ऑर्डर की, साउथ इंडियन थाली, उसमें भरपेट भोजन किया और सीधे चढ़े हम बस 14D में। जैसे तैसे करके हम बस में चढ़े। आप यहाँ भीड़ देख सकते हो, इतनी भयानक भीड़ थी कि वहां बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, लोग नीचे तक बैठे हुए थे। मुझे एक सीट मिल गई थी पर गोपाल खड़ा ही था थ्रू आउट द जर्नी। करीब दो घंटे का रास्ता था, वो खड़े खड़े ही उसने जर्नी किया और बस ने हमें 3 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं ईशा योगा सेंटर एंड अभी यहाँ से भी 3 to 4 किलोमीटर हमें वॉक करना है। तो अभी वी आर गोइंग टुवर्ड्स ईशा योगा सेंटर नाउ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं माउंटेन, और इस ठीक माउंटेन के सामने आदियोगी का जो शंकर जी का स्थान है वहां पर है। तो अभी हम चल के जा रहे हैं क्योंकि अंदर एकदम बसेस अलाउ नहीं है। अच्छा हुआ कि हम थोड़ा जल्दी निकले कोयंबटूर से। हम 12 बजे निकले yes. होटल से और बस में चढ़े 2 बजे और एग्जैक्टली 4:30 बजे और बस पूरी फुल थी। उसका भी आप ये देख सकें, मीन्स हम क्लिप ऐड कर देंगे वीडियो में, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना। तो इतने भीड़ में हम थोड़ा जल्दी निकले इसलिए थोड़ा फायदा हुआ। अगर हम 4 बजे अभी निकलते थे तो अभी डेफिनेटली 7 और 8 बज जाते रात के। तो अभी हम ठीक टाइम पे अभी पहुंचे क्योंकि 6 को इवेंट स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे एकदम अंदर अलो नहीं है, तो अभी सब जन मीन सभी लोग वॉक करके ही जा रहे हैं। वी बोथ आर टू मच एक्साइटेड टू अटेंड दिस इवेंट बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट आ रहे हैं आज यहाँ पर। और बस हम अभी ठीक जस्ट 10 to 15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। तो चलिए सीधा मिलते हैं आदियोगी के सामने। 3 किलोमीटर चल के आने के बाद जैसे ही ये ईशा योगा सेंटर का लोगो दिखा तब कहा हमारे दोनों के जान में जान आ गई और अच्छा लगा कि अब हम पहुंच गए हैं। और ये बहुत ही सुंदर सा गेट वहां लगा हुआ था। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं एंट्रेंस में और यहाँ पे कुछ डिफरेंट सेक्शन है। तो हमने जो टिकट बुक की है कावेरी सेक्शन की बुक की है। यहाँ पे अलग अलग टिकट के अकॉर्डिंग सेक्शंस बनाए गए हैं, तो जिसने बुकिंग नहीं की है वो अभी यहाँ जाकर कर सकते हैं। और हमारी बुकिंग ऑलरेडी है तो हम अभी स्ट्रेट जाएंगे। ओके, तो यहाँ आते ही आपके रिस्ट, ये जो रिस्ट बैंड है आपको मिला है, इसकी चेकिंग होती है। ये मेरा कहना मानो तो ये आप ऑनलाइन अपने घर पे ही मंगा लो क्योंकि यहाँ पे टिकट लेने में और ज्यादा अपना टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए अच्छा है कि वो जो रिस्ट बैंड और टिकट्स है वो अपने घर में ऑनलाइन वो भेजते हैं ऑलरेडी बाय पोस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, उसी में इंक्लूड रहता है। तो ये बेस्ट है कि अपना टाइम बचाने के लिए वो ऑनलाइन में घर पे मंगाइए। तो चलो चलते हैं आगे। थोड़ा दूर चलने के बाद वहां पे सिक्योरिटी चेक होता है आपके बैग का और आपका, जेंट्स का अलग और लेडीज का अलग चेकिंग होता है। आप अपने बैग में कोई भी शार्प नाइफ, लाइटर, ऐसी कोई भी चीज जो हानि पहुंचा सके ऐसे कोई भी चीज नहीं लेके जा सकते हो। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए ऐसी कोई भी चीज आप अपने बैग में ना रखे तो ही बेहतर है। थोड़ा आगे चलने के बाद ये जो प्रीमाइसेस है वेलंगिरी माउंटेन का, बहुत ही सुंदर प्रीमाइसेस है। आप जितना जितना लेट करोगे यहाँ आने के लिए उतने ही भीड़ ज्यादा बढ़ती रहती है और टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए अच्छा है कि आप समय से पहले ही आइए तो आपको प्रॉपरली आपने जो सोचा है, जो प्लान किया है वो इम्प्लीमेंट होगा। नमस्कार। So guys, finally we are here near to the statue of Mahadev and you can आप यहाँ पे सेल्फी भी ले सकते हैं सदगुरु जी के साथ। कुछ लोग यहाँ पे ले भी रहे हैं तो हम वो भी एक बार सेल्फी ले लेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको एक क्वेश्चन मन में आता है कि ये जो सदगुरु जी का आश्रम है ये कोयंबटूर में यही पे क्यों बनाया गया है। तो इसका आंसर है
कि जो वेल्लंगिरी माउंटेन आप देख रहे हो, इस पे शिव जी का 3 महीने का वास्तव्य रहा था, और जो सदगुरु जी के गुरु है, वो भी उनका जो देहांत हुआ था, उनका जो शरीर छूटा था, वो भी इसी पर्वत के ऊपर छूटा था। इसलिए ये उनके लिए एक कोई नॉर्मल स्थान नहीं है, ये मंदिर है। तो इसीलिए सदगुरु जी ने अपना आश्रम जो है वही यही पे बनाया है। जैसे ही हम वहां पे गए तो वहां पे इतनी बहुत ज्यादा भीड़ थी, बट भीड़ होने के बावजूद भी जगह जगह पे सिक्योरिटी थी, वॉलंटियर्स थे, तो वहां पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं हो रही थी। सो फ्रेंड्स, वी आर रेडी फॉर दिस इवेंट। एक्चुअली हमने यहाँ आके चेंज किया है, एंड आई एम वेयरिंग दिस वाइट ड्रेस विद ब्यूटीफुल पिंक दुपट्टा, एंड गोपाल वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल कुर्ता विद जींस। सो लेट्स गो। गाइस, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की एंट्री हो चुकी है जगदीश धनकर की, तो चलो अपने सेक्शन में जाके बैठेंगे और फिर वहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। यस, सो गाइस, हम अभी सीट पे बैठ चुके हैं। एक्चुअली हमारी जो ये है टिकट है वो कावेरी सेक्शन की है, और कावेरी सेक्शन बहुत पीछे आ जाता है, हमसे पहले आता है गोदावरी सेक्शन, और वो रहा आदिवासी का स्टेचू। हम बहुत दूर है, बट गोदावरी की भी टिकट लिए तो भी 1000 रुपीज उतना ही मतलब उतना ही दूर तक आता है, और कावेरी का भी उतना ही दूर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ का अगर स्क्रीन के माध्यम से हमको देखने को मिलेगा तो। बट यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शाम के कितना 6:30 बज चुके हैं, 6:30-7 होने को है, और आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सदगुरु जी द्वारा ये चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो जो अंदर ध्यान लिंगा है उसकी पूजा सदगुरु जी और जो महामहिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनके द्वारा की जा रही है, और इतनी सारी पब्लिक आप देख सकते हैं। ध्यानलिंग की पूजा और आरती होने के बाद सदगुरु जी और जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी है उनका आगमन होता है। तभी प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है नेशनल एंथम के साथ। नेशनल एंथम के बाद जो कि देवी का रूप है लिंग भैरवी की आरती और प्रार्थना होती है। Welcome to every one of you. Yeah, he put a motor stage. Well, this is the 30th Mahashivratri in Isha. Well, 30 years ago, in 1994, the Shivratri night we were little over 70 people
and there was only one lady. I don't even know her name. She was over 75 years of age. They just called a Chennai party. She knew only two songs. And she sang the same two songs throughout the night. But we were so crazy, blown away by Shiva. We danced, we meditated, we celebrated the entire night with just two songs. And her throat was hoarse, but she went on singing. Her devotion and dedication fired everybody up, and it was a full night. And here we are after 30 years, as probably the largest event on the planet in terms of its reach, both online and by television. गुरुजी की स्पीच के बाद महामहिम उपराष्ट्रपति इनकी स्पीच होती है। It's a challenge tougher than I faced in West Bengal. Once again, welcome. Then Sadhguruji start prayer and welcoming all guests and public to this beloved event. The Vice President of India and also the governors, honorable governors who are here, and Mrs. Vice President and many of you. We would request the governor and the dignitaries to turn around for Divya Darshanam. उसके बाद सभी लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, टाइम आता है दिव्य दर्शनम का लाइट एंड म्यूजिक शो का। मेन प्रोग्राम यही से स्टार्ट होता है। आपको वीडियो जरा भी बोर नहीं होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिना स्किप किए। आपको बहुत ही मजा आने वाला है।
के बाद कॉलिंग होता है महा अन्न प्रसादम का, और प्रसादम लेने के लिए जाते जाते ही हमको दिखा ये रथ। ये रथ जो था वो पूरे वेलंगिरी माउंटेन की परिक्रमा करके आया था, तो हमने यहाँ पे मत्था टेका और चले हम प्रसादम लेने के लिए। करोड़ों लोगों को खाना खिलाना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी बिना कोई भीड़ भड़ाक के। तो यहाँ पे एकदम नियोजित तरीके से और प्रॉपर वे से सर्विंग हो रही थी खाने की। सो फ्रेंड्स, हमने अभी प्रसादम ले लिया है, तो इसमें जो है दाल खिचड़ी बनाई है इन्होंने, और ये स्वीट बहुत ही खास है, पोंगल कह रहे हैं ये स्वीट को, मीन्स बहुत ही खास ये प्रसादम है और हमने जस्ट अभी लिया है। तो गाइज, इस प्रसादम की कुछ खासियत है, ये जो स्पून से मैं खा रहा हूँ अभी, ये वी कैन ईट दिस स्पून, ये जो स्पून है ये ईटेबल चीज़ों से बनाया है, तो इसका यूज होने के बाद हम इस खा सकते हैं अपन। देन ये टेस्टी खाना हमने खाया और उसके बाद हम जाके बैठ गए अपनी सीट पे। कंटिन्यूसली क्लासिकल डांस फॉर्म्स शुरू हुए थे जिसमें शिवजी की महिमा गाई जा रही थी, साथ ही साथ लोकल सिंगर्स के भी प्रोग्राम शुरू हुए थे। पर हमको मजा आने लगा तब जब शंकर महादेवन स्टेज पे आए।
एक सांस में चढ़ा ले, इश्कियों में क्या है मरना पूरा मर ले। कोयला काला है चट्टानों ने माला, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। कोयला काला है चट्टानों ने माला, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। Come on.
Then Sadhguruji addresses the whole event. A tower of light. The Kashi that we know, or today called Varanasi, because of its geographical location. But essentially Kashi, the tower of light, is a phenomenon that the ancient people of this sacred land created. What is the phenomenon? They built a machine. When I say machine, the translation for the word machine. अब बज चुके थे रात के 12 और मिडनाइट मेडिटेशन का समय हो गया था। सद्गुरु जी द्वारा सभी पब्लिक को मिडनाइट मेडिटेशन जो कि 12 बजे था वो कराया गया, साथ ही साथ आदि योगी जी की आरती और 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करवाया गया।
गाइज अभी रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं और सतगुरु अभी एड्रेस कर रहे हैं। अभी एक लेजर लाइट शो हुआ शंकर जी का, जो उनके सारे इफेक्ट्स जो नारी रूप वगैरह है वो उन्होंने दिखाया। अब जो सतगुरु जी एड्रेसिंग कर रहे हैं, जो प्रोग्राम है सवेरे 6 बजे तक चलेगा। यस, तो ये पूरा तो करीब करीब सुबह के 4 बजे हम महाशिवरात्रि प्रोग्राम से निकल गए अपने होटल के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4 बजे हैं और हम निकले हैं होटल की तरफ। अभी जस्ट हमने एग्जिट लिया है और स्नेहा का फेस आप देख सकते हो, दोनों भी पूरी तरह थक चुके हैं और अभी भी लोग बाहर निकल रहे हैं, पर 10 गुना पब्लिक अभी भी अंदर बैठी है, वो निकले ही नहीं। अभी भी ये जो पब्लिक है, हम जहाँ से जा रहे हैं जस्ट 10% भी नहीं होगी एज कम्पेयर टू इनसाइड जितनी बैठी है। 90% लोग अभी भी वहाँ बैठे हैं। 4 बज चुके हैं सवेरे के, 6 बजे तक प्रोग्राम रहेगा और सतगुरु का एड्रेसिंग फिलहाल अभी शुरू है। हम ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था, अच्छा था, बहुत सुंदर। मतलब ये एक्सपीरियंस आप ये ही कर सकते हैं। यस, ये आप लाइव थ्रू जरा नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ आना मस्त है। आइए, आप भी यहाँ का आनंद लीजिए महाशिवरात्रि। यस, सो महादेव जी के दर्शन लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। हार्दिक शुभकामनाएं।